जैसा कि रमजान का पवित्र महीना आने वाला है और महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो इस मिठाई को आप ट्राई कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, नीतूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मखाने से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस मिठाई की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। इस मिठाई को आप अपने व्रत में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम मखाने को रोस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है 250 ग्राम मखाने का इस्तेमाल किया है। झटपट से बन जाने वाली ये टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर मखाने को हम जो है रोस्ट करेंगे। इसमें हमें घी नहीं डालना है, बस ऐसे ही इसे रोस्ट करना है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और दूसरी बार भी हम ऐसे ही एक बार रोस्ट और कर लेंगे। तो मखाने को फ्राई कर लिया है। अब वापस कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है और घी को मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट हमने लिया है, इसमें काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश और पिस्ता और थोड़ा सा मखाना भी मिला हुआ है, क्योंकि इसको मैंने पहले से ही देसी घी में फ्राई करके ही रखा हुआ था और इसी रेसिपी को बनाने के लिए। तो ये मेरा तो ये ऑलरेडी फ्राई ही था, लेकिन ये फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर हो तो वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और मिठाई लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी करके रख सकती हैं, क्योंकि मिठाई बना रहे हैं वो एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगी दोस्तों। तो 1 से 2 दिन 3 दिन लग ही जाता है खाने में इसको, तो इसलिए इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा ड्राई फ्रूट जो है अब अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में और ड्राई फ्रूट ज़्यादा से कम जितना आपका मर्जी हो डाल सकते हो। बिना ड्राई फ्रूट के मिठाई अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड करें। यहाँ पर डाल दिए वापस फिर से एक चम्मच देसी घी और घी जैसे ही गर्म होगा यहाँ पर हम डाल देंगे लगभग 200 ग्राम अंगूर है, इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं। और अभी तो शिवरात्रि आने ही वाली है तो इसको आप लोग बना करके खा भी सकते हैं और भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अंगूर भी हमारा फ्राई हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक जार ले लिए हैं, डाल देते हैं मखाने को और मखाने को हम जो है ग्राइंड कर लेते हैं। इसे हमें पाउडर के जैसा पीस कर तैयार कर लेना है, तो इसे हम पीस कर फिर आपको हम दिखाते हैं। तो सच में ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, तो आप लोग इस मिठाई को एक बार ज़रूर बनाना। और ये देखिए, हमारा जो है मखाना इस तरीके से हमने पीस लिया है पाउडर के फॉर्म में और इसे हम निकाल लेते हैं इस बाउल में। इसी तरीके से जो मखाना बचा हुआ है उसे भी हम पीस करके तैयार कर लेंगे और फिर इसी जार को हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर ये देखिए, हमारा मखाना पिस चुका है, तो हमने इसी जार में फिर से वापस ये ड्राई फ्रूट को डाल दिया है और इसे हमें थोड़ा सा दरदरा ही पीस करके तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इसे पाउडर तरह नहीं पीसना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट भी पिस गया है और इसे हम निकाल लेते हैं बर्तन में। तो देखिए ये कितना दरदरा पिसा हुआ है, आपको दिखाते हैं। आपको भी ऐसे ही पीस करके तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इसे पाउडर की तरह नहीं। जब हम मिठाई खाएंगे और छोटे छोटे ये ड्राई फ्रूट के बाइट्स मुंह में आएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मिठाई खाने में। तो चलिए, हमारा ड्राई फ्रूट भी पिस गया है तो इसे साइड में रखते हैं। अब इसी जार को इस्तेमाल करके हम जो है अंगूर को भी पीस लेते हैं। और अंगूर का फ्लेवर इस मिठाई में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है, आप लोग ट्राई कीजिए, बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो फिर आप लोग इस मिठाई को कब बना रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हमने डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी और देसी घी फिर से जब गर्म हो जाएगा तो हमने जो मखाने को पीस करके रखा है उसे हम दोबारा से फिर से घी के साथ रोस्ट करेंगे। पहले हमने बिना घी के इसे रोस्ट किया था, अब इसे हम घी के साथ में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, जिससे हमारी मिठाई जो है बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में और इसे हम लंबे टाइम तक रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमें धीमी आँच में इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं, मतलब सॉरी, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए इसे हम रोस्ट करेंगे।
किसी भी चीज़ों में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छे से हम इसे भून भान लेंगे दोस्तों, उतनी ही लॉन्ग टाइम तक हम मिठाई को इंजॉय कर सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ों को भूनना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तो मखाना अच्छे से भून चुका है, तो इसमें हम जो अंगूर का पेस्ट पीस कर रखे हैं उसे हम मिला देंगे और इसे अच्छे से मखाने के आटे के साथ बढ़िया से इसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे चीनी। तो मीठा अपने स्वाद के अनुसार आप रख सकते हैं, और इसे जो है गुड़ के साथ भी आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम बिना चाशने के इसे बना रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम एक गिलास दूध। तो यहाँ पर आपको जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ दूध का इस्तेमाल करना है, जिससे कि जो चीनी है वो अच्छे से इसमें मिल जाएगा और बराबर अच्छे से इक्वल मात्रा में हमारी मिठाई में मीठापन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए डाल देंगे फिर से एक बड़ा चम्मच देसी घी। तो मैंने इसमें घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है क्योंकि ये मिठाई सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी थी। और अब तो रमज़ान भी आने वाला है, तो इस मिठाई को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने व्यंजन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और हम इसे बिना मावा के बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मावा के लिए जो है मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप व्रत में मिल्क पाउडर नहीं खाते हैं तो आप इसमें मत मिलाइएगा, केवल दूध और मलाई थोड़ा सा डाल करके ही इसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें मिल्क पाउडर, और साथ में इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे, यहाँ पर लिखा है बादाम ड्रिंक। तो दोस्तों इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था, मैंने जो है बस ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं। और मैंने इसमें इलायची वगैरह नहीं डाला है क्योंकि ये जो बादाम ड्रिंक है ना, इसमें इलायची का भी फ्लेवर है और बहुत ही अच्छा ये ड्रिंक है। तो बच्चे इसे पीते हैं और काफ़ी सारा ये रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसे मिठाई में इस्तेमाल करके बना लेते हैं। तो मैंने इसे डाल दिया है और थोड़ा सा आधा कप दूध और ड्राई फ्रूट जो हमने पीस करके रखा है उसे हमने मिला दिया है। अब वापस इसे हम बहुत अच्छी तरीके से भुनेंगे, जैसे कि हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। और इसे तब तक हमें भुनना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से कढ़ाई को खुद ना ये छोड़ने लगे। अब दोस्तों फिर से वापस मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी फिर से डाल दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पेस्ट है कितने अच्छे तरीके से भुन गया है। इसका कलर देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे से सिमटने लगा है। ये देख सकते हैं ये कढ़ाई को भी अब छोड़ने लगा है। तो लगभग ये हमारी जो मिठाई का माल है ये तैयार हो गया है, तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो बस इसी तरीके से बनाना है मिठाई को। तो चलिए यहाँ पर थाली को हम जो है थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं पहले घी लगा करके, और गैस को हमने बंद कर दिया है और मिठाई को हम इसी थाली में सेट करेंगे। आप चाहे तो किसी केक टिन में इसे सेट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो ड्राई फ्रूट था उसे थोड़ा बचा कर रखा था, तो उसे हम इसमें डाल देंगे और अब इसके ऊपर हम मिठाई को सेट करेंगे। सच में ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, तो इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जैसा कि रमज़ान भी शुरू होने वाला है और हमारे भाई बहन जो भी व्रत रखते हैं, इस मिठाई को आप लोग जो है ज़रूर ट्राई करना। तरह तरह के व्यंजन तो आप बनाते ही हो, उस व्यंजन में आप इस मिठाई को भी आप शामिल ज़रूर करना, और एक बार इस मिठाई को आप लोग ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। और सच में मैं आप लोगों से बता रही हूँ, ये मिठाई वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन करके तैयार हुआ था। तो इस रमज़ान के पवित्र महीने में इस मिठाई को आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और सभी मेरे भाई बहन जो भी व्रत रखते हैं वो तो इस मिठाई को ट्राई कर सकते हैं। और इस बर्फ़ी को आप लोग क्या नाम देना चाहते हैं, मखाने की बर्फ़ी या फिर अंगूरी बर्फ़ी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिठाई को ट्राई कीजिएगा। हम आशा करते हैं ये मिठाई आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए, आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट से इस मिठाई को सजा सकते हैं, या फिर मेरे तरीके से इसे सिल्वर वर्क से सजा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिल्वर वर्क रखा हुआ था, तो मैंने जो है इसे मिठाई में इस्तेमाल कर लिया है। और ये देखिए हमारी जो है खूबसूरत सी टेस्टी सी मिठाई बनकर अब तैयार है। तो हम इसे अब रख देते हैं कुछ घंटों के लिए सेट होने के लिए। तो अभी ये ऊपर से तो मतलब ये ठंडा है, लेकिन नीचे अभी बहुत ज़्यादा गर्म ही है, तो इसे थोड़ा सा हम सेट होने देंगे, तो उसके बाद इस मिठाई को हम काटेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए जो है इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ही रख देते हैं, वापस फिर इसे हम काट कर तब आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए मिठाई का लुक। और दोस्तों आप लोगों को रमज़ान और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ एडवांस में।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मिठाई सेट हो चुकी है और चलिए इसे हम आपको काट के भी दिखाते हैं कि ये कितनी अच्छी मिठाई बनकर के तैयार हुई है। खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि इसे आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे जब आप एक बार इसे घर पर बनाएंगे, और बहुत ही कम इंग्रीडियंट से ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रमज़ान पे और इस शिवरात्रि पे आप लोग ज़रूर बनाइए मिठाई को, रेसिपी को अपने पकवान में शामिल कीजिए। तो हमने इसे डायमंड शेप में काट दिया है, आप लोग इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। और चलिए मैं आपको पीस भी निकाल कर दिखाती हूँ। क्या आप बता सकते हैं ये बाज़ार वाली नहीं है, बिल्कुल बाज़ार की जैसी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है, बाज़ार से भी अच्छी मिठाई। आप घर पर बनाइए, ट्राई कीजिए, देखिए कितनी सुंदर कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी और डिलीशियस है। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरी रेसिपी को आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो आप लोग इसका भी जिक्र कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।